तो कैसे हैं? आज 4 मार्च है 2019 और मैं आपको निफ्टी का ओपिनियन लेके आया था। इस पूरे महीने भर कैसा रहेगा और वीकली कैसा रहेगा और आपको 5 तारीख की कैसा रहेगा, तो सब आपको बताता हूँ धीरे धीरे। पहले ये जो क्लोजिंग हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार। ये जो क्लोजिंग हुआ है 1 मार्च को, वह देखेंगे 10,863 पे 71 पॉइंट के साथ अप होकर के बना हुआ है। पहले तो आपको ये बता दो, ये रेंज माउंट रहेगा और रेंज को इस महीने नीचे की ओर जो तोड़ना होगा लास्ट, मेरे अंदाज से होगा इस महीने अगर इसे नीचे जाना है तो लास्ट जाएगा। अब मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नीचे अपवर्ड देखना हो सकता है अगर ये महीने अब रहा तो। इससे मंथली ट्रेंड पे थोड़ा सा नीचे की डाउनवर्ड ही दिखा रहा है, तो मंथली में आपको नीचे की ओर क्लोजिंग देगा, वीकली में भी थोड़ा अपवर्ड देगा क्लोजिंग अभी, क्योंकि ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो अगेन जो लिमिट बना पूरा महीने के लिए वो जो दिख रहा है 10,950 से 10,550, ये पूरे महीने की यही रेंज है। और जिधर भी निकलेगा 10,950 से ऊपर अगर जाता है चांसेस है। एक बार अगर मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से हाई को लगा के देखें तो लगता है कि 11,150 तक जा सकता है, नीचे अगर देखें तो शायद 10,330 तक जा सकता है। ये एक्सट्रीम रेंज है 10,330 से 11,150, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 10,950 से 10,550, ये सारे रेंज में जा सकता है। ये पूरे मंथली वीकली और डेली का बता देते हैं। अभी जो दिख रहा है चाइना, और आप सुन ही रहोगे न्यूज़ की, चाइना और अमेरिका के बीच में जो न्यूज है उसके चलते चाइना संघाई बहुत ही अच्छा गेन दे रहा है, तो आपको वैसे ही मंडे को ओपनिंग गेन साइड में देखने को मिल सकता है। हो सकता है ये 10,900 तक जाए और मैक्सिमम रेंज 10,950 भी टच करने की कोशिश कर सकता है। और इस महीने में जो हाई ट्रेंड चल रहा है इसका, उसके अनुसार ये एक बार 11,150 भी टेस्ट कर सकता है। तो इस महीने में आपको अच्छा खासा रेंज भी दिखेगा, ऊपर नीचे भी दिखेगा, लेकिन आप गलत फहमी में मत रहना। जितना ऊपर जाएगा आपको वहां पे नीचे के पोजीशन बनाने हैं, अल्टीमेट इसको नीचे जाना है। और 10,550 अल्टी बहुत नीचे नहीं भी हो तो 10,550 तक तो जाना है इसको, वहां तक देखते हैं। तो अभी जो क्लोजिंग 1 तारीख हुआ 10,863 पे और 40 एडवांसेस थे, 10 डिक्लाइन थे, पॉजिटिव दिख रहा है आपको, एडवांसेस ज़्यादा हैं तो पॉजिटिव है। जीट इंटरटेनमेंट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडसलैंड, BPCL, IOC ये बंद होके बढ़े हैं। और आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम में एक देख रहे HPCL का मेरा वीडियो इशू किया हुआ है, वहाँ पर आपको 240-245 तक के रेंज को जाने को जा सकता है और मंडे गैप अप ओपनिंग दे सकता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में दो ट्रेंड बन रहा है, आप जाकर के डिटेल में उसको वीडियो देख सकते हैं। लूजर में भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट और UPL लूजर के रूप में बंद हुए। अगर मैं FIDI की बात करूँ तो FII ने 198 करोड़ की खरीदारी की है, DII ने भी 117 करोड़ की खरीदारी की है। और अगर मैं आपको इसमें इंडेक्स की बात करूँ तो इंडेक्स में आप देखेंगे सभी ग्रीन में बंद हुए हैं। विक्स थोड़ा लो हो 10 पॉइंट गिर करके बंद हुआ है, सीधा 16 पे आ गया है, तो विक्स में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली है। तो हो सकता है कि विक्स आपको नीचे मार्केट ऊपर की ओर लेते हुए देखे। निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंशियल जितने भी देखे सब ग्रीन में बंद हुए हैं। मेटल अच्छा कर रहा था, मीडिया अच्छा किया है और PSU बैंक भी अच्छे कर रहे हैं, तो सबों में एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। एक पॉजिटिव नोट के साथ 1 मार्च को क्लोजिंग दिया है, उसको कंटिन्यू रखिएगा अभी ये 5 को भी। और अगर मैं इसके डेरिवेटिव में भी जाकर के देखूँ तो डेरिवेटिव में जाने से पहले एक बार इसको चार्ट पे चले जाते हैं। तो चार्ट में क्या दिख रहा है कि ये एक बार यहाँ पे जो है 10,817, ये जो है इसका आप देखेंगे डेली बेसिस पे। एक बार पहले इसको मूविंग एवरेज देख लेते हैं, तो ये देखेंगे सभी क्लस्टर बनाते हुए, ये सारे चीज़ को क्लस्टर बनाते हुए यहाँ पे एक ही जगह पे यहाँ पे गैदर हो रहा है। सारे मूविंग एवरेज यहाँ से यहाँ पे घूम रहे हैं, एक रेंज बाउंड है, इसी रेंज बाउंड में घूम रहे हैं। हाँ, अभी अगर मैं चलो इसको वीकली बेसिस पे चलो तो ये 10,704 पे आप देखेंगे 10,704 ऊपर की ओर जा रहा है। और अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक से क्या कर रहा है यहाँ से देखेंगे, तो ये जो वीक था 11 फरवरी के, फरवरी के फर्स्ट वीक का, अब सेकेंड वीक का देखेंगे तो सेकेंड वीक में क्या किया इसने, क्लोजिंग दिया 10,724, उसके बाद जो इसने क्लोजिंग दिया 10,791 ऊपर दिया, 10,724 से 60 पॉइंट ऊपर देता है। और यहाँ से फिर ऊपर ऊपर देता है 863, ये भी 70 पॉइंट ऊपर देता है।
तो हो सकता है इस बार की क्लोजिंग 950-920 के ऊपर आसपास आपको जाते हुए थोड़ा अपसाइड में देखिए 863 है, यहाँ से 40.900-910-915 तक की क्लोजिंग यहाँ पे आपको देखने को इस वीक की हो सकती है। ये अपसाइड में लेकर के जा रहा है, ये वीकली बेसिस पे सपोर्ट आपका 10710 का रखना है, 10710 से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर आप देख सकते हैं। एक चीज़ बताऊँ कि वॉल्यूम आपको तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, उसके हिसाब से खरीदारी बहुत नहीं हो रही है। आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है। अगर मैं इसको आपको मंथली बेसिस पे दिखाऊं तो मंथली बेसिस पे देखिएगा जो हाई बना रहा है वो क्या बना रहा है। पहला हाई यहाँ पे जो बनाया 3/12 को जो बनाया इसने, ये मंथली है मतलब कि 3/12/2018 दिसंबर में जो बनाया इसने, और फिर ये जनवरी है, ये फरवरी है और ये मार्च है। तो 3 दिसंबर को जो हाई बनाया वो 10950 हाई बनाता है 10985 का, उसके बाद 10987 दो पॉइंट का बनाता है, उसके बाद 11118 ये हाई बनाता है, और ये 3 बार हाई ऊपर की ओर जा रहा है, मैंने 987-985-1118। तो हो सकता है कि एक बार ये यहाँ पे 11118 की जगह 11150 दिखा दे हाई के कंडीशन में। लो के कंडीशन में चले मंथली, ये मंथली की बात कर रहे हैं, अगर हम लो के कंडीशन में बात करें तो 10333 का लो बनाया, अब देखिए उसके ऊपर बनाता है 10583, यहाँ से ऊपर 200 पॉइंट लेता है, और फिर 583 के बाद 585 दो पॉइंट ही ऊपर दिया लेकिन ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है। तो हो सकता है यहाँ से फिर एक बार 10600 की मंथ की क्लोजिंग 10600 के नियर अराउंड कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट का है तो इंडिसीज, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे जितना प्राइस रिडक्शन दिखा रहा है उतने वॉल्यूम से फॉल नहीं हो रहा है, मीन्स ये यहाँ कहीं ना कहीं खरीदारी भी शामिल है मंथली बेस पे, या यू कहें वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन आपकी क्लोजिंग जो हो रही है अपसाइड में हो रही है। सो हो रहा है कि ये नीचे की ओर मार्केट लेके जाएंगे लेकिन मंथली बेसिस पे क्लोजिंग न्यूट्रल पे जा रही है, तो उतना खासा फॉल नहीं है। उसी तरह अगर मंथली बेसिस पे देखें तो MACD आप देखेंगे यहाँ पे ये नीचे की ओर जा रही है, मीन्स मंथली बेसिस पे थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड को ही शो कर रहा है। और अगर मैं इसको वीकली बेसिस पे दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल चल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको वीकली बेसिस में हो सकता है कि यहाँ पे न्यूट्रल देखने को मिल सकता है। इस पैटर्न के बाद आपको लास्ट वीक बोला था कि एक ऊपर पैटर्न की ओर वीकली में जा सकता है, तो वैसा ही गया है, ये क्लोजिंग ऊपर के साइड में दिया है, और हो सकता है कि यहाँ से एक बार थोड़ा सा ऊपर लेकर के ये इस वीक की भी क्लोजिंग आपको देखने को ले। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है कि इतने सारे वॉल्यूम के बावजूद प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली ऊपर की ओर वॉल्यूम होते हुए भी नहीं ज़्यादा जा पा रहा है और नीचे की ओर भी नहीं जा रहा है, मतलब ये रेंज बाउंड में कहीं खेल रहा है। और आप देखिए कंटिन्यू यहीं से देखिए, यहाँ से लेकर के ये इसी रेंज में या इतने रेंज में खेल रहा है, तो रेंज बाउंड में घूम रहा है और अभी भी इस महीने रेंज बाउंड ही घूमेगा, इस महीने भी कोई बाहर निकल के नहीं जाना चाहिए। तो निफ्टी पे एक यही छोटा सा ओपिनियन था कि अगर डेरिवेटिव में एक बार इसको फाइनल देख लेते कि अभी नेक्स्ट वीक क्या करेगा, या मंडे अपने 5 तारीख की बात कर लें कि 5 तारीख को, क्योंकि ये जो वीकली चार्ट है 7 मार्च का, तो मंडे में क्या दिखा था, ट्यूजडे को क्या दिखाएगा, 5 मार्च 2019 का जो ओपिनियन है वो क्या रहेगा। तो एट द मनी 10-865 पे क्लोजिंग हुआ 1 मार्च को, तो 10-865 पे जब जाते हैं 10-850 इन द मनी जाते हैं तो क्या होता है, एट द मनी जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1,22,000 से बाइंग हो रही है और प्राइस में अप्रिसिएशन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे जो बाइंग हो रही है उसके बाद प्राइस बढ़ रहा है तो लोगों की बाइंग हो रही है। पर 10-850 पे अगर इधर जाएंगे पुट की ओर जाएंगे तो आपको देखेगा वॉल्यूम तो यहाँ ज़्यादा 1/22 से ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है, मीन्स यहाँ पे शॉर्ट करने वाले ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हैं, 1/22 से ज़्यादा खड़े हैं, और ओपन इंटरेस्ट 2.55 का है, सेम ही लगभग इंटरेस्ट है। लेकिन नीचे जाए 10-800 पे तो आपको देखने को मिलेगा 10-800 पे इससे ह्यूज वॉल्यूम से शॉर्ट किया जा रहा है, 6,36,000 वॉल्यूम, और ओपन इंटरेस्ट 14,56,000 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट, मतलब 10-800 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, 10-800 से नीचे नहीं अभी जाने को तैयार है। जो इस अगर ये कल ट्यूजडे को चेंज होगा तो अलग बात है, अदरवाइज ये जो पैटर्न बता रहा है 10-800 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 14 लाख का, और उसके बाद 10-700 पे 10 लाख का। लेकिन आप कंटिन्यू देखिए हर 10-900 पे भी 3 लाख वॉल्यूम से शॉर्ट किया जा रहा है, 11 लाख पे भी शॉर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट को एक बार अप ट्रेंड में देखा जा रहा है। और इधर जो शॉर्ट भी हो रहा है बहुत खास शॉर्ट नहीं किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा माइनर वैल्यू से शॉर्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ प्रीमियम ज़्यादा नहीं मिल रहा उनको, बट यहाँ पे पुट में प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा है तो ये ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं। तो मार्केट एक बार जो लग रहा है यहाँ पे देखिए 11,72,000 के 11,000 पे, और 2,25,000 से 2,68,000 से यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं 10,950 पे जाना चाहता है और 10,800 पे इसको सपोर्ट है। तो 10,800 से 10,950 के रेंज में
मार्केट आपको नेक्स्ट वीक के लिए ऐसा लगता है कि इसी रेंज में आपको मार्केट दिखाए, बहुत बड़ा अप डाउन नहीं होगा। नीचे 10800 पे अच्छा सपोर्ट है, ऊपर 10950 पे आप देखें तो शॉर्ट करने लगे हैं, 950 ही क्रॉस करने की इनकी संभावना कम दिख रही है। तो देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे वॉल्यूम बेस में देखें, 10950 पे देखें तो यहाँ पे 268000 वॉल्यूम से शॉर्ट किया जा रहा है, और 10950 पे यहाँ पे सिर्फ 29000 से यहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे नहीं देखने मिल रहा है। ये तो 10950 क्रॉस करने में थोड़ा सा डिफिकल्टास है, 10800 पे सपोर्ट है। तो अगर कोई 10850 का कॉल जो आपको 76 रुपये पे मिल रहा है, या 10900 का कॉल 54 रुपये पे मिल रहा है, इस पर कोई पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। 54 रुपये जब अगर 10950 की ओर जा रहा है तो हो सकता है यहाँ से ये डबल होने की गुंजाइश दिखा सकता है, या एटलीस्ट 50% यहाँ से अप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो 5 तारीख के लिए जो ओपिनियन होगा वो 10900 पे, और 10900 पे अगर हम जाकर के क्या हुआ है टोटल डिटेल में देखें तो ये ओपन हुआ 65 पे, हाई बना था 71 का, लो बना था 47 का, बट लो से कहीं ऊपर जाकर के ये क्लोज देता है। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 9% है, 1,28,550 की खरीदारी है और 3,12,000 सेलर खड़े हैं। इस यहाँ पे 10900 पे सेल करने वाले ज़्यादा खड़े हैं, बट यही अगर 10850 पे देखें तो क्या होता है, तो आपको यहाँ पे बाइंग 1,01,000 है, 82,000 में सेलर है, ओपन इंटरेस्ट 87% है। तो 10850 पे देखिएगा 98 का हाई बनाता है, ओपन होता है 89 पे, हाई बनाता है 98, लो बनाता है 77 से ऊपर जाते हुए 76 पे की ओर क्लोजिंग देता है। तो यहाँ पे एक दिन के लिए, अदरवाइज सिर्फ अगर हम बात करें ट्यूसडे के लिए, तो हो सकता है कि एक बार आपको ट्यूसडे के लिए यहाँ पे एक बार अप्रिसिएशन होते हुए दिखे और 10950 की ओर जाते हुए दिखेगा, पर 10950 भी क्रॉस करने की इसकी हिम्मत नहीं है। तो आप चाहें तो 10800 से 10950 के रेंज में पोजीशन ट्रेडिंग सोच सकते हैं, लेकिन इस क्रिटिकल मार्केट में पोजीशन नहीं बनाएं, पेपर ट्रेडिंग करें, वॉच रखें, ज़्यादा अच्छा है। और ये मार्च का महीना सिर्फ निकल जाए उसके बाद आपके लिए अच्छे खासे पोजीशन आ सकते हैं। तो निफ्टी में जो नेक्स्ट वीक का रेंज निकल के आ रहा है वो 10950 से 10800 के रेंज में देखने को हो सकता है। तो बस एक छोटा सा ये ओपिनियन था, और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। मंडे को ट्यूसडे को मार्केट जो दिखेगा वो आपको अपसाइड ही दिखेगा, और ऊपर की ओर जाने की पूरी कोशिश करेगा, 10950 क्रॉस करेगा अगर करता है, और तो आपको 11150 की ओर जाते हुए भी देखा जा सकता है। चांसेस कम है क्योंकि 10950 पे शॉर्टिंग चालू हो गई है और वहाँ पे सपोर्ट भी नहीं है, और उधर से वहाँ पे पुट पे शॉर्ट नहीं हो रहा, कॉल पे शॉर्ट चालू कर दिया, तो इसके लिए 10950 से ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है। तो 5 तारीख के लिए बस, 5 मार्च के लिए इतने से छोटा सा व्यू था। ये मेरे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से, मेरे कहने पे मार्केट पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाइएगा। पोजीशन बनाने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से जरूर कर लें। ये सिर्फ मेरा एक ओपिनियन था मार्केट पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत